हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास टेंथ फिजिक्स ऑप्टिक्स का पार्ट सेवेंथ। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड द डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम एट द डिफरेंट पोजिशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ड टू फॉर्म द इमेज एट द डिस्टेंट प्लेसेज बाय कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नाउ नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। इट इज डिफाइंड एज अ रिफ्रैक्टिव बॉडी हुज एट लीस्ट वन साइड इज स्फेरिकल और कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेज। वो रिफ्रैक्टिव बॉडी जिसका एटलीस्ट वन साइड क्या हो, स्फेरिकल हो, यानी कर्व्ड हो, बाकी साइड प्लेन भी हो और कर्व भी हो सकती है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। जनरल टाइप ऑफ लेंसेज बाई फोकल लेंसेज, बाई कनकेव लेंस। सी फर्स्ट इज आपका है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, वन साइड प्लेन वन साइड कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स बोथ साइड कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव वन साइड प्लेन वन साइड इज कनकेव, एंड बाई कनकेव बोथ साइड कनकेव, एंड कनकेवो कन्वेक्स वन साइड इज कनकेव वन साइड इज कन्वेक्स। नाउ स्फेरिकल लेंसेज, हाउ वी ऑब्टेन द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज आर मेड बाय द मर्जिंग ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर्स। हेयर इज नॉट अ होलो स्फीयर, हम दो सॉलिड स्फीयर को क्या करेंगे, आपस में मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, मिलाने पर हमारा जो बीच में बचेगा वो लेंस बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा कन्वेक्स टाइप का लेंस बनेगा। अगर हमें कनकेव चाहिए तो कनकेव लेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो स्फीयर को थोड़ा दूरी पे रखेंगे और बीच में उसको फिल कर देंगे हम मीडियम को, ये हमारा हो जाएगा कनकेव। टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज, अदर टर्म्स आर सिमिलर लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेयर इज अ ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट एनी डिविशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में आपका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होगा जिसमें से लाइट रे सीधी निकल जाएगी। दैट मीन्स दैट पॉइंट विच हैविंग नो शो एनी डिविशन, जैसे वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर काम कर रहा था विदाउट एनी डिविशन, इन सिमिलर सेंस ऑप्टिकल सेंटर वर्क हेयर। प्रिंसिपल फोकस, हेयर द टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस F1 एंड F2। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the ray of the light coming parallel to principal axis actually meets or appears to meet is called principal focus. देखिए, या तो actually meet करेगी या meet appears to meet। अब यहाँ पे देखिए principal focus कैसे बना, जैसे हमारे पास वहाँ terms थी center of curvature, इसका C1, इसका C2, तो यहाँ हमने उसे नाम दे दिया टू टाइम्स ऑफ F1 और टू टाइम्स ऑफ F2। दो sphere है तो अपने C1 C2 लिया, तो हमने उसको टर्म को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था उसे हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ F1 और टू टाइम्स ऑफ F2। जो फोकस F था वहाँ पे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा F1 और F2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंस रहेगा लेंस वर्सेस मिरर का। नाउ कनकेव कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज नॉट डाइवर्जिंग। वहाँ के मिरर वाले नेम से ये उल्टे इफेक्ट में है, उल्टे नेम से है कन्वेक्स। द लेंस विच आर थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर एट द एजिस आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। जो बीच में से मोटा हो, साइडों से किनारों से पतला हो, दैट इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस, द लेंस विच आर थिनर फ्रॉम मिडल एंड थिकर फ्रॉम द एजिस आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। सी इन द डायग्राम्स, द रे ऑफ द लाइट विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज और एक्चुअली मीट्स द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे आपकी रियल इमेज बनेगी जहाँ पे लाइट एक्चुअली मीट करेगी, ये प्रिंसिपल फोकस पे आती हुई मिलेगी द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट द प्रिंसिपल फोकस F2। तो इसका जो फोकस होगा वो राइट हैंड साइड होगा और F2 होगा। अब बात करते हैं कनकेव में, द रे ऑफ द लाइट विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बट दे अपीयर्स टू मीट ऑन द प्रिंसिपल फोकस F1। वो पीछे की ओर वर्चुअल इमेज बनाएगी और F1 पे मिलती हुई दिखाई देंगी। इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो कन्वेक्स लेंस की इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें सारी रियल इमेज बनेगी एक्सेप्ट सिक्स्थ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर में होगा तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। अदर क्राइटेरियाज, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव बिकॉज राइट हैंड साइड है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी फोकस प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इसमें इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड बनेगी, इसमें इमेज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। इसमें सिक्स्थ केस को एक्सेप्शन आएगा।
मैग्नीफिकेशन नेगेटिव बनेगा बिकॉज इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑलवेज बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस हम सीधे अपर हेड में रखेंगे। हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेजेस बनेगी एक्सेप्ट सिक्स केस, इसमें सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस, पहले हम बात करते हैं रूल्स इमेज को फॉर्मेशन करने के बाय कन्वेक्स लेंस। रे ऑफ द लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासिस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस एफ टू। जो रे ऑफ लाइट है अगर वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, हमें रे को नंबर जरूर देना है, पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। एंड विच प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, एफ टू इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सेकेंड रूल, द रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वी नो दैट ऑप्टिकल सेंटर इज अ दैट पॉइंट विच पासिस द लाइट विदाउट एनी डेविएशन, तो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, सीधी निकल जाएगी। थर्ड इज रे ऑफ द लाइट विच पासिस थ्रू फोकस एफ वन ऑब्लिकली बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो किसी भी कोई भी लाइट ऑब्लिकली किसी एंगल पे फोकस में से पास होती है और उसके बाद में वो मिरर में आपके जो है लेंस में से पास होती है, देन दे कैन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपोजिट ऑफ द फर्स्ट केस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ट एट द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली डैमेज्ड, पॉइंट साइज बनेगा। वी नो दैट द रे ऑफ द लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड केस, व्हेन द रे ऑफ द लाइट कीप्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल फोकस टू टाइम्स ऑफ एफ वन, एंड वी ऑल्सो से टू बियॉन्ड टू टाइम्स ऑफ एफ वन, पोजिशन बिटवीन एफ टू, टू टाइम्स ऑफ एफ वन एंड टू टाइम्स ऑफ एफ टू, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डैमेज्ड, छोटा बनेगा साइज। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता था, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। जब भी इसे दूर होगा तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, उसमें लेंस मिरर में कहाँ बन रही थी, आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूसरी साइड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें करना क्या बच्चों, एक लाइन पैरेलल वाली वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास करवानी है इन डायग्राम्स को बनाने के लिए, दूसरी लाइट हमें हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है। पहले केस को छोड़कर, इन्फिनिटी वाले केस को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी होगा, बाकी सेकेंड जो रे हम हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे और हमारे डायग्राम एग्जैक्टली बनेंगे, एंड दे आर ऑल्सो यूज टू मेकिंग द कंपास। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ट एट टू टाइम्स ऑफ एफ वन, ऑब्जेक्ट जो हमारा टू टाइम्स ऑफ एफ वन पर है, देन पोजिशन टू टाइम्स ऑफ एफ टू पे बनेगी। जैसे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज ही, सेम कॉन्सेप्ट है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस में से पास करेंगे, सेकंड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ट बिटवीन टू टाइम्स ऑफ एफ वन एंड एफ वन, देन द पोजिशन बियॉन्ड टू टाइम्स ऑफ एफ टू। जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था, इन सिमिलर सेंस ये बियॉन्ड सी बन जाता था, यहाँ पे बियॉन्ड टू टाइम्स ऑफ एफ टू बन जाएगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, सेकंड इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस एफ वन, जब हमारा फोकस पे होगा, देन ऑब्जेक्ट इज बिकम्स इन्फिनिटिव, पैरेलल वाली सेम निकालेंगे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, बोथ लाइन आर बिकम्स पैरेलल, इमेज आर हाईली इनलार्ज्ड, इन्फिनिटी बनेगी, कहाँ जाके मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, पता नहीं है। When the object is kept between F1 and optical center O, then position, same size of object, same size of object, object की ही side में बनेगी image, virtual and direct बनेगी and enlarged बनेगी, जो हमारा sixth case है, इसे magnification कहते हैं। जब हम magnifying glass का use करते हैं तो हमारे पास यही case बनता है, sixth case। अब देखिए, हमारा जो है book या जो भी हम रखते हैं वो focus और optical center के बीच में होती है, जिससे हमें उसकी highly enlarged image दिखती है, virtual image। अगर हम लेंस में जो इमेज बने उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उन वर्ड्स को हम टच नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज वर्चुअल इमेज। अब इसमें भी सेम केस करना है, पैरेलल वाली फोकस में से पास, दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर में से पास। आप देखोगे ये दोनों डाइवर्जिंग दिखाई देगी, ये मिलेगी नहीं, ये तो पीछे मिलती हुई दिखाई देंगे और इमेज आप फॉर्मेशन कर दोगे। जब भी वर्चुअल इमेज बनाओगे डॉटेड लाइन से बनानी है। क्लियर, आई होप आर यू अंडरस्टैंड द ऑल सिक्स केसेस एंड ऑफ द कन्वेक्स लेंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द rules for obtaining the image by the concave lens. The ray of the light which passes to the principal axis after refraction through the lenses appears to meet at principal focus F1. ये हम जानते हैं, जब parallel आएगी वो focus F1 में से मिलती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे actual में meet हो रही थी, but here appears to meet because they are the diverging after
रिफ्रैक्शन. द रे ऑफ द लाइट विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द सेम केस, नो चेंज. एंड द रे ओब्लिकली टुवार्ड्स द फोकस, फोकस एफ टू की तरफ जो आ रही है ओब्लिकली, दे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव लेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट इन्फिनिटी एट फोकस नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट हाईली डिमिश्ड. जब भी पैरेलल बीम आएगी तो वो कहाँ मिलती होगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये देखिए डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर्स टू मीट एट फोकस और एकदम पॉइंट साइज इमेज बनी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कीप्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन्फिनिटी एनी वेयर एट द फाइनाइट डिस्टेंस, अब आपका कहीं भी हो बीच में ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी. अब इस केस में देखिए आपने चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा हो, चाहे यहाँ रखा है कहीं भी रखा है, एक लाइट आपने पैरेलल निकालनी डाइवर्ज, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करोगे, जो ये पीछे आती हुई दिखाई देगी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन को क्या करेगी, कट करेगी, जहाँ कट करेगी वहीं आपकी इमेज बनेगी और ये बनेगी एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हाईली डैमेज्ड बनेगी, छोटी बनेगी. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस आर यूज इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, यू नो दैट टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स कंटेंट कन्वेक्स लेंसेज. कन्वेक्स लेंस इज यूज इन कन्वर्जिंग लेंस, हमें पता है कि लाइट को कन्वर्ज कर देता है. कन्वेक्स लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, सिक्स केस में भी हमने देखा. कन्वेक्स लेंस इज यूज इन कैमराज एज दे फोकस द लाइट रे फ्रॉम द क्लियर इमेज, कैमराज में भी यूज होता है. आवर आइज ऑल्सो कंटेन द कन्वेक्स टाइप लेंस. कन्वेक्स लेंस इज यूज इन स्पेक्चुअल्स टू करेक्ट द विजन ऑफ द डिफेक्ट हाइपर मेट्रोपिया, जिन्हें पास का दिखाई नहीं देता हाइपर मेट्रोपिया, द पर्सन विच कैनॉट सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उनको कन्वेक्स लेंस रेकमेंड किया जाता है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द कनकेव लेंस, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस. कनकेव लेंस इज यूज इन स्पेक्चुअल्स टू करेक्ट द विजन ऑफ द डिफेक्ट मायोपिया, जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, विच कैनॉट सीन फारेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उनको कनकेव लेंस अप्लाई किया जाता है. स्मॉल कनकेव लेंस यूज टू लार्जर टू डाइवर्ज लेजर टू डाइवर्ज द बीम ऑफ लेजर, ठीक है, ये लेजर में डाइवर्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं बीम को, डाइवर्ज मीन्स उन्हें फैलाने के लिए लेजर बीम्स को. कनकेव लेंस इज यूज टू डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है डाइवर्जिंग लेंस. कनकेव लेंस आर यूज एज अ सिक्योरिटी पर्पज इन द डोर पिन पेपर होल्स, डोर पेपर होल्स लगे होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें से आई पॉइंट लगा तो जिसमें से हम बाहर का सारा कुछ देख सकते हैं, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग लेंस. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.